डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। आज हम राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं और उनसे बातचीत करवाने जा रहे हैं। झारखंड के भी बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े नेता हैं ये, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं, आदिवासियों में इनका बहुत बड़ा नाम है और वो है कड़िया मुंडा। नई दिल्ली के एक नंबर सुनहरी बाग रोड में रहते हैं कड़िया मुंडा। ये है उनका बंगला। ये उन्हें 2009 में जब ये डिप्टी स्पीकर लोकसभा हुए थे तब इन्हें ये बंगला उपलब्ध कराया गया था और ये आज तक इसमें रह रहे हैं। हालांकि 2019 हो चुका है। बंगले का आकार बहुत बड़ा है, ये डिप्टी स्पीकर लोकसभा का बंगला है, इसलिए ये बड़ा बंगला इन्हें दिया गया था। और चूंकि 2014 में ये दोबारा चुनकर आए थे, सांसद बनकर आए थे दिल्ली से, और तब से इसी बंगले में है। हालांकि ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उम्र दराज लोगों को टिकट देना बंद कर दिया और इस बार 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए ये जून में ये बंगला इन्हें छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये भारतीय राजनीति में लगभग 54 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और अलग अलग बंगले में रह रहे हैं। ये बंगला बहुत ही सुंदर शानदार, ये लुटियन जोल इसे कहा जाता है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ बंगला है। लुटियन जोन यहाँ बहुत ही फेमस है और यहाँ जितने भी वीआईपी एरिया हैं ये सब लुटियन जोन में आते हैं। अभी हम राजनीति में एक ऐसे महान हस्ती के सामने बैठे हैं जिन्होंने अपने 54 वर्ष का जीवन इस राजनीति में दिया है और आदिवासी में एक बहुत बड़ा चेहरा है इनका, एक बड़े नेता है ये, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है ये, राष्ट्रीय नेता हैं। अपने 54 वर्ष के जीवन में जो इन्होंने राजनीति की है, आज 2019 में चूँकि उम्र अधिक हो जाने के कारण इन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। हालांकि उससे पहले इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे पूरी राजनीति सफ़र का, कब से राजनीति में है और आपका राजनीति सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहां तक हुआ? पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जो हम लोग पढ़े लिखे जो हम लोग थे मैं समाज के, जयपाल सिंह के मरने के बाद ये विचार हम लोग का आया कि भाई हम लोग को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है कि आगे नहीं तो हम लोग के बीच में राजनीतिक बहकुम हो जाए, राजनीतिक सुन्नापन आ जाएगा, इसलिए हम लोग करना चाहिए। तो एक ये तय हुआ और उसमें ये तय हुआ कि आपको लड़ना है। अब लड़ना है तो हम लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं था, हम लोग तो कॉलेज से निकले हुए लड़के लोग थे। अब कांग्रेस टिकट देगी नहीं, झारखंड पार्टी टिकट देगी नहीं, माओवादी से हम लोग जितने थे उनमें से किसी का भी विचारधारा मिलता है नहीं, तो ऐसे में विचार आया कि भाई ये जनसंघ एक पार्टी है जिससे लड़ा जा सकता है, परंतु जनसंघ के किसी भी कार्यकर्ता से भी और नेता से भी कोई परिचय नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। इस तरह का एक हम लोग दुविधा में थे, लेकिन कभी कभी संयोग होता है कि जनसंघ वाले को भी जयपाल सिंह के मरने के बाद लगा कि हम लोग को भी राजनीतिक का में आना चाहिए, क्षेत्र में पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए, तो लोग कैंडिडेट खोज रहे थे, लोग पार्टी खोज रहे थे और भारतीय जनसंघ वाले उम्मीदवार खोज रहे थे, और इस तरह से हम लोग की मिलन हो गई और उसके बाद हम लोग राजनीति में चले आए। आपने खूंटी क्षेत्र खुद छोड़कर आप अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको आपने स्थान दिया और उनके लिए बहुत मेहनत किया, जबकि खूंटी क्षेत्र में बहुत ही उठापटक था, तो कैसे इस संघर्ष को आपने पूरा किया और कैसे आपने जीत दर्ज कराया?
क्योंकि ऐसा है कि टिकट तो पार्टी देती है और किसी को भी दे सकती है पार्टी, और इस बार पार्टी ने एक सैद्धांतिक रूप से मान लिया था कि भाई इनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो गया है, उनको टिकट नहीं दिया जाए। तो ऐसे बहुत लोग हम लोग हैं जिनकी उम्र 75 से ऊपर है, इसलिए वो तो होना ही था। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पाला हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से हमारे रहते, हम एमपी थे तब तक, तो हमारे रहते भारतीय जनता पार्टी इस सीट से हारे ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जितना तन से मन से और धन से जितना हो सका मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम किया, और वो संयोग से बहुत संघर्ष और सभी विपक्ष के लोग एक तरफ होने के बावजूद भी कड़ी संघर्ष के बाद हम लोग विजय हासिल किए। जबकि विपक्ष लोग को जितने भी पैतरा जितने भी राजनीतिक छल कपट होता है, राजनीतिक कलबल छल जो कहते हैं, सब प्रयोग करने के बावजूद भी हम लोग इस संघर्ष से विजय प्राप्त। अर्जुन मुंडा को खुटी क्षेत्र से जिताया है जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आदिवासी क्षेत्र खासकर अपने क्षेत्र के लिए वो कैसे काम करें? जो जनजातियों के बीच में विकास के काम होनी चाहिए वो काम उनको करना चाहिए, क्योंकि मूल मुद्दा तो विकास है और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद 1977 में चुनाव हुआ था और आप लोग बहुत ही भारी बहुमत से जीते थे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई और उसके बाद मंत्री बनना, आप 1977 में आप पहले मंत्री बने थे, तो वो पूरा हम वो जानना चाहेंगे कि वो क्रम कैसा था। देखिए, ऐसे जब शुरू किए राजनीति तो हम लोगों को ये पता था कि जीतना तो है नहीं, हारना ही है, लेकिन हार को जीत में बदलने के दृष्टिकोण से काम करना चाहिए, एक उद्देश्य था। बीच में जेपी आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग भाग लिए, उनकी पार्टी में थे तो पार्टी के निर्णय के अनुसार से भाग लिए हम लोग, और कई बार जेल जाना पड़ा, एक बार तो करीब 13 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव भी जिस तरह से पार्टी में सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी में हमको जगह मिला, ऐसे ही चुनाव में भी वैसे ही हुआ। निर्णय ये लोग किया था कि भाई जितने भी कांग्रेस के विरोध जितने जो विरोधी दलें हैं उससे मिलकर हम लोग लड़ें, तो उस क्षेत्र में सीटिंग एमपी हुआ करते थे एनी होरो जो झारखंड पार्टी के थे, तो उसको लोग टिकट दिया। अब उनके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ेंगे आप लोग साथ मिलकर, परंतु सिंबल अपना हम नहीं छोड़ेंगे। लोगों को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मान लीजिए किसी कारण से अगर संख्या में कुछ कम बेशी हो गया थी तो भाग सकता है। मतलब ऐसी स्थिति में मुझे लोग खोजने आया, हम तो हाल जो उतने गए हुए थे उधर से आ रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है तो फाइल करना है। हम बोले भाई आप जेल से आए हुए हैं, पैसा तो मेरे पास एक भी नहीं है, लड़े कैसे, मोशन फाइल करने का पैसा नहीं। उन लोगों को बोला कुछ चिंता नहीं करना है, हम लोग कर लेंगे, और इस तरह से टिकट हमको मिला। और उसमें का माहौल था, जीता था ही, जीत गए, और उसके बाद मंत्री लोग बना दिया। पहली बार जीत के आए थे जंगल पहाड़ का आदमी, मंत्री लोग बना दिया, काम करना है। और हमने 2.5 साल जितना चला हमने ठीक से काम किया, उसमें भी किसी तरह की कोई शिकायत और काम में भी किसी तरह की लापरवाही या अक्षमता उसमें भी नहीं मिला। आप कितने बार मंत्री और क्या क्या पद आप पूरे अपनी राजनीति इसमें
रहे हैं वो आप जरा बताइए मुझे। सत्तर में मंत्री थे तो आप बताइए दिए, राज मंत्री इस्पात और खान का। उसके बाद 96 के 13 दिन की सरकार में भी समाज कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उसके बाद तो बीच में फिर नहीं बने, फिर 2001 में फिर दो पार्टी ने हमको मंत्री बनाया। उस समय खादी ग्राम उद्योग और कृषि उत्पादन सशक्तिकरण के नाम से एक मंत्रालय था, उसमें हमको बनाया। वहाँ करीब 11-12 महीना थे। उसके बाद हमको लोग भेज दिया कोयला मंत्रालय, वहाँ भी करीब उतने ही दिन थे। और उसके बाद अंत में गैर परंपरा ऊर्जा, जिसको आज हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, वहाँ भेजा। और मैंने जहाँ भी रहा तीनों मंत्रालय में, मैंने अपने हिसाब से संतोषजनक काम में किया और हमने मंत्रालय के काम को बढ़ाया। एक सबसे ज्यादा मजेदार घटना ये देखने को मिलता है, जब कांग्रेस का राज्य था, कांग्रेस जब सरकार चला रही थी मेरे ख्याल से 2009 में, और उसमें आपको डिप्टी स्पीकर लोकसभा निर्विरोध चुना गया, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही डिवोटेड नेता है, बावजूद उसके आपको निर्विरोध लोकसभा में चुन लेना, ये इसके बारे में बताइए ऐसा कैसे हो सका? देखिए, ये तो दो बड़े दलों के बीच में आपसी तालमेल, उस समय शायद कांग्रेस और हमारे लोगों ने बातचीत किया होगा, भाई अध्यक्ष तो आपका होगा ही होगा, हमारी भी संख्या अच्छी है, तो विपक्ष में हमारे आदमी को खड़ा किया जाए, तो ये बात बनी होगी और इसी आधार पर लोग बनाया। वैसे समय से जब आपस में इस तरह का जब हो जाती है, सब सहमत से अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता रहा है। नहीं, इससे ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि आपकी पॉपुलरिटी ऑपोजिशन पार्टी में भी, दूसरे पार्टियों में भी चूंकि आपकी छवि अच्छी रही है, तो उसका भी फायदा आपको मिला? हो सकता है कुछ ऐसा अनुभव? नहीं, लोगों ने विरोध नहीं किया था इसका माने, और मैंने वहां भी 5 साल जितना अपने समझ में आता, जितना योग्यता क्षमता के आधार पर मैंने लोकसभा को भी चलाने का, ठीक से चलाने का प्रयास किया और उसमें भी सफलता मिली। आप इतने सारे मंत्रालय और इतने ऊंचे ऊंचे पद में रहने के बाद भी आप बहुत सादगी से अपना जीवन बिताए हैं और बेदाग नेता अगर आप कहें, जबकि आज की राजनीति में और आज के परिवेश में किसी भी नेता और या मंत्री को बेदाग होना बड़ा अजीब और अटपटा सा लगता है, लेकिन आपने 54 वर्ष के राजनीति जीवन में इतना बेदाग और इतना अच्छा जीवन आपने बिताया है, इसका राज आप बताइए। एक तो बेदाग का जहाँ तक सवाल है, इस परिवार का संस्कार है कि पिताजी भी कहा करते थे कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, और जरूरतमंद लोगों को निश्चित रूप से सामर्थ्य के अनुसार से मदद करना चाहिए। ये अशिक्षित होते हुए भी उनको इतनी पता था और ये कहा करते थे, और इसलिए मैंने अपने जीवन में इसी ढंग से काम किया कि अपना काम ठीक ठाक हो, उसमें किसी तरह का दाग ना हो, निष्पक्ष हो, और सभी के साथ न्याय हो, कैसे हो सकता है, इस दृष्टिकोण से मैंने काम शुरू किया। याद कराने का सवाल है, मेरा आदत पहले से यह है कि मैं बहुत तड़क भड़क में विश्वास नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी तड़क भड़क नहीं किया, लेकिन वो महापुरुष कहलाते हैं। काम और आपके विचार और आपके व्यवहार, इससे आदमी का आकलन होता है,
तो तड़क भड़क से और शांत सर्कल से नहीं होता है, ऐसा एक मन में विचार आया, इतना उचित है मुझे पता नहीं, और उसी दृष्टिकोण से मैंने अपने जीवन को डालने का कोशिश किया। हालांकि आज के इस जमाना में, इस युग में, इस तरह का जीवन बिताना बहुत कष्टमय होता है। आप एक ही क्षेत्र से 8 बार जीते, इसका क्या फॉर्मूला है, क्यों जीते, जीतने के पीछे राज क्या रहा? ऐसे भी हम लोग पहले भी राजनीति मानने के पहले सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे। अगर आदमी लोगों का विश्वास जीत ले तो कुछ भी संभव है। ये अनुभव सामाजिक के क्षेत्र में काम करते हुए ये लगा, और राजनीति मानने के बाद भी, जीतने हारने के बाद भी लोगों से संपर्क, मतलब कि जनसंवाद छूटा नहीं, और कार्यकर्ता भी बढ़ते गए, समर्थक भी बढ़ते गए, लोगों का विश्वास भी हो गया, और करते करते धीरे 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 ये आज के रूप में आया। ये लोगों का विश्वास और अपना प्रयास, ये दो ही के आधार पर हमने अभी तक 8 बार जीता है, और विश्वास होने पर कार्यकर्ता भी लगते हैं और मतदाता भी देते हैं। तो आपको ऐसा उम्मीद था कि आपको पद्म भूषण मिलेगा और इससे आपको नवाजा जाएगा? नहीं, मुझे कोई पता होता नहीं था, मैं तो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहा था, और दिल्ली से गृह मंत्रालय से एक पदाधिकारी ने फोन किया हमको कि सरकार ने ये तय किया है, आपका क्या विचार है? तो हमने उनको कहा, भाई सरकार ने जो विचार तय किया है तो मेरा सहमति है, और मैं अपनी ओर से जो लोग ये निर्णय लिया, सरकार भी और उस समिति के लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस तरह से लोगों ने निर्णय लिया, वो निर्णय अभी भी मुझे पता अभी तक नहीं है कि ये पद्म भूषण देने के क्राइटेरिया का मुझे कोई पता नहीं। 2019 में टिकट नहीं मिला खुटी से, तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ, कैसा आप फील किए? देखिए, ऐसे भी बहुत दिन लंबी अवधि तक करने के बाद मन में क्योंकि लगता था कि अब राजनीति से कुछ अलग रहकर घर में रहना चाहिए, सामाजिक काम तो पहले भी करते रहे हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे जब तक शरीर में जान रहेगा, और हमको थोड़ा लगा कि भाई बड़ा आराम मिला, क्योंकि उसमें समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से क्षेत्र के लोग भी तंग करते थे, बाकी भी लोग करते थे, करना भी पड़ता था, और योजनाओं के संबंध में बाकी भी चिंता होने करनी पड़ती थी, सरकारी पदाधिकारी ठीक से नहीं काम करते थे तो उनसे भी कभी कभी उनको भी थोड़ा सा उच्चारण सुनाना पड़ता था। तो अभी इस समय कम से कम ये सब चीज़ कम होगा, थोड़ा बहुत चलेगा ही उनके जब तक रहेंगे, लेकिन मैं ये रोज रोज का और दिन भर का दिमाग में चक्कर कटता था, ये शायद अब कम होगा। टिकट नहीं मिलने के कारण बहुत सारे नेता विरोध किए, भारतीय जनता पार्टी से कई नेता बाहर हो गए, लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से, और मुझे लगता है चूंकि मैंने आपका चुनाव देखा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने चुनाव लड़ने से ज्यादा मेहनत अर्जुन मुंडा के चुनाव में किया। ऐसा है कि देखिए, हम पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता का पार्टी नहीं होता है, हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं, और शुरू से भी हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई है उसी ढंग से हुई है कि भाई कार्यकर्ता ही मूल है, पद तो आते जाते रहते हैं, कभी ऊंचा भी जाएंगे, कभी नीचे भी जाएंगे, परंतु कार्यकर्ता बने रहना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से चूँकि कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए, एक स्वाभाविक रूप से अपने मन में था। और जहाँ तक काम करने का सवाल था, इसलिए भी ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि तो वर्तमान सांसद जो अभी हमारे हैं वो अपना विधानसभा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में बहुत अधिक कभी
में नहीं है, काम नहीं किए, सर सोचते भी नहीं होंगे कैसा काम करना होगा कभी। इसलिए भी हमको उनको जनता तक पहुंचा कर लोगों से परिचय कराना, और उसके बाद जो भी कार्यक्रम आगे चला उसमें सक्रियता से भाग लेकर काम पूरा हो। मोदी जी का जो 2019 का जो मिशन था, जो हम लोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये नारा लगा था, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तो हर आदमी काम करेगा, हर व्यक्ति काम करेगा, हर कार्यकर्ता अपना जवाबदेही सोच कर करेगा, तभी मिशन तो पूरा हो सकता था। तो ये भी पूरा करना था, इसलिए भी मैं सोचा कि भाई इसको पूरा करने के लिए जितना हो सकता है अपना योगदान देना चाहिए। आदिवासी का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े नेता है, और अपने क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, कुटी क्षेत्र में। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए आप कैसे सोचते हैं, क्या हो उसके उत्थान के लिए? समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो समझदार है, समाज के लिए चिंतन करे, क्योंकि अगर समाझदार लोग, पढ़े लिखे लोग समाज के संबंध में चिंतन नहीं करेंगे तो गांव का मजदूर, खेतिहर, किसान, गरीब ये तो सोच सकता नहीं। दुर्भाग्य से आज देश में भी और अपने आदि जनजातियों के क्षेत्र में भी ये पढ़े लिखे लोगों, ये सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से विचार करने का शायद लोग छोड़ दिया है, शहर की ओर लोग भाग रहे हैं, शहर की चकाचौंध में लोग फंस गए हैं, और शहर के लोग तो पहले से फंसे हुए हैं, और एक नया एक संस्कृति पैदा हो गया है कि एक चकाचौंध की दुनिया में रहना और उस ढंग से अपने को ठीक करने के लिए जैसे भी वो साधन जुटाकर उसमें उपयुक्त स्थान लेना, ये एक जो अंधी दौड़ है ये समाज के लिए ठीक नहीं है। जनजातियों में भी ऐसा चल रहा है, उनके बीच में भी इस तरह का नहीं। अब सामान्य व्यक्ति के रूप में रहकर समाज की चिंतन करें, चिंता करें, और जितना हो सके अब समाज के अच्छे के लिए काम कीजिए, समाज का कल्याण हो। धन्यवाद गड़िया पंडा जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्राइबल इंडिया टीवी की तरफ से अशोक चरण। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।